खबर लेंदे हाँ तरन तारण तो पिंड बलटोहा विखे गलत मैसेज नूं लै के तकरार इन्नी ज़्यादा वध गई कि गोली तक चल गई। गोली चलन कारण एक व्यक्ति जख्मी हो गया जबकि दूजे व्यक्ति नूं हमलावारां ने तेज़धार हथियारां नाल जख्मी कर दिता जिन्हां नूं सरकारी होस्पिटल पट्टी विच दाखिल करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार जख्मी व्यक्ति लवप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह दा भरा प्रिंस सिंह पुत्र सतनाम सिंह दा एक दूजे नूं गलत मैसेज नूं लै के पिंड कालिया सकत्तरे दे एक व्यक्ति दे नाल तकरार हो गई जिस तों बाद यह तकरार इन्नी वध गई कि प्रिंस अते उक्त व्यक्ति दे विचकार झगड़ा हो गया है जिस गल नूं लै के कुछ लोगों ने दोहां दा राजीनामा भी करवा दिता है जिस तों बाद फिर भी प्रिंस सिंह पिंड कालिया सकत्तरे दे व्यक्ति विच फिर मूली तकरार हो गई। इस तों बाद की होया आओ वेखदे हां। सतनाम सिंह दा की गल होई है जी? एड़ा मुंडा पिया इहदा नाम की है? मेरा लवप्रीत है जी, मेरा बेटा है। की गल होई है? कोई नी जी, मुंडे मुंडे आपस में एक तरह कोई पहला यार दोस्त ही बाद एक तरह मोबाइल से मैसेज मूसी मेरे छोटे बेटे नाली दाली है कालिया सकत्तरे का मुंडा मनजीत सिंह का यह करता इसे मैसेज से मेरे बेटे ने कहा इस तरह मतलब की मैसेज ना तू ओ मेरे ना कर जो अपना को बुलाने चलाने का अगो इस तरह धमकिया धुमकिया मेरे मुंडे को आन लग पाया। चलो इन्हों की गलबात खत्म हो गई, राजीनामा हो गया, जत्थियां पार्टियां बड़े बह गए तो बाद कल कि लोगों को कहता फिर उसे आके अमरकोट भी मैं उन्होंने पुटिया वा प्रिंस सुनारा मांझा वाया फलान से फोन करके ना उसे अमरकोट इन्होंने सद्या वा उत्थे भी चलो आवे चपेड़ो चपेड़ी माड़े मोटे हुए तो इन्हों का फैसला हो गया वा तो रात ही कितने मेरा व्डा बेटा नाल अपना प्रिंस है तो इतनी कितने बिल्कुल यार दोस्त के घर बैठे ही उत्थे दाली मुंडा वा नाल एक काली सकत्तरे का जी असल मोढ़ जरा मेन तो एक नाल जोर सुना जरा लव रहा मनजीत सिंह का मुंडा एक बलटोयो गोभी आ मुंडा नाल दो होर बलटोयो मुंडे आ गरलाल इन्होंने आन के मेरे बेटे नाल अमरों बलजीत के घरों पढ़ा दिया भी आप राजीनामा करना आप बह के आसे पास कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना अमरों मेरे मुंडे नहाने कट के लगे आ जी जरा दाली आ दाली ने पिछों दो इन्होंने बाहों फड़िया दूजे ने गोली चलानी चालू कर दी आ छे रौंद इन्हें कटे आ जी पांच रौंद कटे छेवा रौंद मेरे बेटे ने मतलब पट के वजह सजी अपनी लातरी इन्हें भज के जान बचाई आ उत्थे वीर अपने वीर आंढी गुआढ़ी के निशान होनी उन्होंने ललकारा मारिया वा भजे आ मगर वह बंदा मगर वह भज के इन्होंने वीर ने मुझे मेरे बेटे ने हस्पताल खड़ के इन्होंने आपकी मेरे बच्चों की जान बचाई आ। इस संबंधी दरखास्त दी कोई? हाँ जी बलटोए थाने दी है जी। की मांग करते होंगे? मांग यह जी सानू साफ चाहिए उन्होंने पर्चे होने चाहिए जी गांह तो नत्थ पै जी उन्होंने जो गांह तो किसी किसी के घर जाके गल ना पै। राजीनामा करना है ठीक है चल चल जाने बहर ही गए अजे बहर जाके खलोते ही दो मिनट से उसे भी मुझे फैरी शुरू कर दी अभी किन्ने मारिया गोली? हां लाओ सरपंच ने और ते होर नाल दिहाली एक नाम जिंदर प्रेम ही एक गरलाल बॉबी चार पांच नहीं इन्होंने मुड़के शुरू कर दिया मेरे भी कृपान वजी लग गए। कितने वजी गोली? कितने वजी गोली? पार्टी वजी कै मुड़के कि लिया वीर ने लिया यार दरखास्त दी है? दरखास्त दी है। की मांग कर दे? मांग इन्हों की बर्ती होना इंसान लापरी सिंह जी की गल हुई सट कि लगी की हो जी? इदा गोली बजी है जी मुंडे ही एक तो हरदयाल सिंह है जी कालिया सकत्तरे का वह मतलब अपने पहलो भी चलता झगड़ा कोई मेरा छोटा ब्रदर है प्रिंस ओनू मतलब मैसेज मूसेज करता गलत स्टेटस लाउंदा जी मतलब ओह जे भी मैं इतने अमरकोट आ जावा आज जिन्हें मतलब वेखना वा तो फिर मतलब एक दूजे ओने फोन लाया मतलब मेरे निके भरा नू भी मैं अमरकोट आ जावा जे कोई गल करनी है तो आ जा जे कोई शिकवा है तो कड लेने तो अं फिर नहीं कोई गल की मतलब फिर मैनु दसा तो मैं उन्हें फोन लाया तो मैं अंबरसर सीगा तो मैनू कहिंदा भी मतलब आ जा जे कोई शिकवा है तो आपके भरा नू लै दे नाल तो मैं मुड़के उन्हें कहा भी नहीं कोई गल नहीं बह के गल करते हैं चलो वह तो राजीनामा हो गया तो कल फिर मतलब अमरकोट खड़ा तो मतलब लोगों को कहिंदा फिरदा कि इदा गलबात होगी मैं उन्होंने गल पाया उन्होंने कुटिया इदा किया उन्होंने इदा किया वह भी चलो झगड़ा मुक गया चलो अं उ मतलब मिले एक दूजे मोदी जी गल हो गई फिर ये रात को मतलब आए मतलब
पांच सात मुंडे आए है एक लावे जोत सिंह वाले का सरपंच मुंडा ओनू कहते हैं ਮਿੰਟੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹਰਦਾਲ ਆ ਕਾਲੀ ਇਸ ਕਤਰੇ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਬੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਟੋਇਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਟੋਏ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜ ਸੱਤ ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਬਿਲਟੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਆਏ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਵੱਜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਵੇ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਮਰਗੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ ਸਰਵਾਈਕਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087